हेलो, मैं गौरव लहार। आज हम निकले हैं नाथद्वारा के लिए। हम उदयपुर होते हुए जाएंगे और यहाँ से अभी निकले हैं हम कुछ। तो गाइस, हम उदयपुर के पास पहुँचने वाले हैं। सिर्फ 26 किलोमीटर बाकी है। यहाँ पर हम टीडी में आ गए हैं और यहाँ पर एक आलू वड़े बहुत फेमस है यहाँ के, और यहाँ पर गवरी खेला जा रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको, गवरी दिख रहा होगा आपको। यहाँ से सिर्फ 26 किलोमीटर बचा है उदयपुर, और फिर वहाँ से 40 किलोमीटर और हमको नाथद्वारा जाना है। फिर आपको श्रीनाथ जी का सब कुछ दिखाएंगे। रोड बहुत बढ़िया, NH 48 बना रखा है, 6 लेन हाईवे, बिल्कुल चकाचक 110-120 की स्पीड, आराम से आप जा सकते हैं। और बाकी सब है ही है। ये सीन देखो यहाँ का, से हम उदयपुर के अंदर जा रहे हैं। इधर से उदयपुर बाईपास, और ये उदयपुर के लिए हम अंदर जा चुके हैं। खैर, उदयपुर तो अभी हम घूमेंगे नहीं, हम यहाँ से सीधा गूगल पे सर्च करके और नाथद्वारा के लिए निकलेंगे। लेकिन फिर भी आपको दिखा देते हैं भाई, उदयपुर की एंट्री यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर सीधे सीधे जैसे कि अभी आएगा, कुछ अलग अलग जगह आती है जैसे कि सुकेर वगैरह। और हमको तो खास जाना है उदयपुर में। एक बार तो हम बस स्टैंड से होते हुए, दिल्ली गेट से होते हुए जाएंगे। ठीक है, ये उदयपुर ही चल रहा है। जिलों की नगरी के नाम से फेमस है, बहुत खूबसूरत जगह है, आप बिल्कुल आ सकते हैं। और यहाँ पर फैमिली के लिए भी घूमने लायक है और कपल्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा मौसम ठंडा रहता है। और ठंड में तो क्या बताएं, बहुत ज़ोरदार ठंड पड़ती है यहाँ की। यहाँ की कुछ फेमस चीज़ें मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि अभी यहाँ पर एक सरस पार्लर वगैरह आएगा, तो वहाँ पर लोग रुकते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, क्योंकि सरस का एक आउटलेट है। और ये जो है ट्रांसपोर्ट नगर वगैरह दिखा रहे हैं मेरे भाई चंद्रे, ये सब है जो उदयपुर को मैं डिटेल में बता रहा हूँ आपको। और ये होटलें वगैरह, तो यहाँ पर फेमस होटलें हैं यहाँ पर, जैसे कि उदय विलास, ओबेरॉय, और ये सब महंगी होटलें हैं जहाँ पर अंबानी की शादियाँ वादियाँ, अंबानी की बेटी की शादी भी यही हुई थी उदयपुर में, आप सभी को पता ही होगा। और ये है उदयपुर का, क्या कहें हम, मेन सिटी एरिया यहीं से शुरू हो जाता है। ये सरस पार्लर वगैरह बस यहीं पे है, यहाँ बोर्ड के नीचे ही। हेलो, तो दरअसल मेरे पास जो मारुति सुजुकी अल्टो है वो, उसका भी शोरूम यहीं पे जहाँ से मैंने इसको खरीदी है। यहाँ की सर्विस वगैरह बहुत बढ़िया करते हैं, क्लाइंट को भी अटेंड करते। देखो ये मारुति सुजुकी अरीना, ये दिखा रहा है, नीचे आप गाड़ी ले सकते हो कोई भी। यहाँ पर दिनेश जी करके हैं जो इनके मालिक हैं, यहाँ पर आके मेरे से बात करा दें। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे देंगे, कुछ 5-10 हज़ार रुपये का डिस्काउंट मेरी तरफ से ही मिल जाएगा। और अभी हम दिखाएंगे लखपतियों का शोरूम, जहाँ पर हमने तो खाली सपने देखे हैं भाई, हम जा सकते हैं नहीं जा सकते। बाकी अपने गरीबों की ओड़ी तो सुजुकी ही है। यहाँ पर बहुत सारे कार डेकोर वाले हैं जो जहाँ पर अपनी कार वगैरह फॉग लैंप DRL वगैरह लगवा सकते हैं, बैलेंसिंग वगैरह के लिए, यहाँ CNG वगैरह सब के लिए अलग अलग दुकानें हैं। और यहाँ आ गया हम करोड़पतियों का शोरूम, क्या पता हम अपना ब्रेक करके चलाएंगे भाई, ये रेस्पेक्ट है कुछ इस चीज की। ये देख लो भाई, करोड़पतियों का कौन सा शोरूम होता है, देख लिया भाई। चलो ठीक है, अब यहाँ पर सामने ही थोड़े आगे जाके इधर तरफ लेफ्ट में आर्मी कैंप है, ऊपर सारे आर्मी की सिक्योरिटी के लिए दिखा रखे हैं। और बहुत सारी जगह हैं उदयपुर से घूमने लायक, तो एक दिन में तो कोई नहीं घूम सकता। आगे भारत सरकार वाले जा रहे हैं, पता नहीं किसको लूटने जा रहे हैं आज। ये इधर यहाँ से लेफ्ट में जाए आर्मी कैंप, जाने के लिए आइडेंटिटी होना जरूरी है। और यहाँ पर बाहर जो वॉर में यूज हुआ टैंक भी है, एज अ मेमोरियल रख के रखा है इसको। चंद्रे जी बढ़िया वीडियो शूटिंग ले रहे हैं। उदयपुर का सिटी रेलवे स्टेशन, दूसरा एक और है प्रताप नगर में, ये खासकर सिटी रेलवे स्टेशन है। और यहाँ तिरंगा कितना खूबसूरत लगता है अपना तिरंगा। और यहीं से थोड़ा आगे जाए तो हमारा सिटी बस स्टॉप आ जाएगा सेंटर, जो कि यहाँ से आपको जहाँ की गाड़ियाँ चाहिए वहाँ की मिल जाती है, दिल्ली मुंबई जहाँ भी जाना हो, रतलाम वगैरह। खास करके यहाँ चित्तौड़ की गाड़ियाँ खूब चलती है, और ये क्योंकि सेंटर पॉइंट है उदयपुर, तो यहाँ पर हर जगह की गाड़ियाँ मिल जाती है। जीजे की गाड़ियाँ खूब घूमने आती है यहाँ सामने, देख लो अपनी क्या आ रही, इसी में नहीं सीखी उतनी जा रही है भाई। इन गाड़ियों की तो बात ही अलग है, रईस लोगों की गाड़ियाँ हैं, हम तो सिर्फ देखते हैं इनको। और ये पुरानी बस्तियों का मार्केट है सारा, और यहीं पे मतलब थोड़ा ही दूरी है वो, क्या कहते हैं हम, उदयपुर या फिर आप बस स्टैंड बोल दो जो भी। अभी आएगा जैसे चंद्रेश दिखाएगा,
यहाँ खास करके बहुत फेमस है नटराज होटल। टेक द नेक्स्ट राइट देन टर्न राइट। भाई गूगल वाला बोल ही गया। तो नटराज 400 meters at a dipole circle, take the second exit onto City Station Road, Sardar Patel Mark। एक थाली एक बार आए जरूर खाएं, इतनी बढ़िया है। अगर हो सके हम आधी बार आएंगे तो आपको दिखाएंगे भी सही कि भाई इसमें क्या क्या वेरिएंट है, अपने को थाली मिलती है, आप पेट भर के पूरा खा नहीं सकते मतलब। और अब हमारे टंकी भी हमको फुल करानी पड़ेगी क्योंकि बिना तेल के तो चलनी नहीं है। और ये आ गया जब सारा बस स्टैंड जो है उदयपुर का उसका एरिया, जो आज के सर्कल से घूम के अंदर जाएं तो ये सब बस स्टैंड का ही एरिया है। ये संग्रेस दिखा रहे, ये जो खास नाम है इसका उदयपुर सर्कल कहते हैं। और उदयपुर सर्कल से अगर हम राइट ले लें तो ये बस स्टैंड को जाता है। कहीं भी घुस जाएंगे ये लोग, लेक सिटी लिखा हुआ ही है ऊपर, ये है ही लेक सिटी भाई। बहुत सारे जिले हैं यहाँ, फतेह सागर, पिछोला और अमराई घाट वगैरह, बहुत सारी ऐसी घूमने की जगह है। आप तो घूमते घूमते थक जाओगे। मैं तो कहता हूँ यहाँ फैमिली से ज़्यादा कपल लोग के लिए अच्छी जगह है क्योंकि होटलें इतनी बढ़िया बढ़िया है। और यही है बस स्टैंड, जहाँ से मतलब अंदर जाओ तो आपको बस स्टैंड शुरू हो जाए, क्योंकि हमें जाना ही नहीं है। दिखा दे बस स्टैंड, दिखा दे जरा। Exit the roundabout onto City Station Road. ये बस स्टैंड दिखा रहे हैं पूरा, बस स्टैंड वगैरह सब कुछ। In 600 पूरा सबसे बड़ा सर्कल ये ही है। और हमारा टर्न भी आ गया है जहाँ पर एडवर्टाइज भी ऐसी दे रखी है कमा सत्रह की। अब यहाँ हम श्रीनाथ जी के मार्केट में आ गए। यहाँ से श्रीनाथ जी का मंदिर थोड़ा ही दूर है, यहाँ पूरा मार्केट आपको दिखा रहे हैं। यहाँ तस्वीरें वगैरह श्रीनाथ जी की मिल रही है, यहाँ फैंसी आइटम भी बहुत सारी, ज्वेलरी जैसी बहुत सारी, अलग अलग कटलरी जैसी, बैग वगैरह फैंसी हैं बिल्कुल। बहुत भीड़ है यहाँ पर क्योंकि कोरोना में बंद था ये श्रीनाथ जी का पूरा मंदिर, तो सब लोग अभी यहाँ फेमस जो प्रसाद मिलता है यहाँ का श्रीनाथ जी का वो यहीं पे है। मेरे को ध्यान है, मैं एक बार ले लेता हूँ यहाँ से। मंदिर तो बंद है क्योंकि 4 बजे का खुलेगा। इधर जाना है। यहाँ छोटी छोटी दुकान है और छोटी सी जगह है बिल्कुल। मंदिर तो 4 बजे खुला, मंदिर का टाइमिंग आपको सारा बता देते हैं। ये रहा टाइमिंग 6:15, 8 नहीं खुलेंगे, 11:15 वगैरह टाइमिंग है ये। अंदर बिल्कुल जाने मना, हम विट्ठल, अरे चप्पल, हम लोगों को दर्शन तो नहीं हुए श्रीनाथ जी में। आपको बाहर का मार्केट और ये तो दिखा दिया क्योंकि 4 बजे का था, तो हमने एक प्लान किया है 4 बजे अगर हम पहले अगर दर्शन करने के लिए रुकते तो हमें घर पहुँचने का होते तो बहुत टाइम हो जाता। इसलिए हमने प्लान किया है कि अब यहाँ से हम राजसमंद लेक जाएंगे। राजसमंद झील है जो बहुत बड़ी झील है, यूँ पापा भी कह रहे थे। अब देख के आते हैं, यहाँ से 30 किलोमीटर कुछ है लगभग,
आधे घंटे का रास्ता कुछ जीपीएस बता रहा है, वहाँ से राजसमंद लेक जाए, आपको राजसमंद लेक जिगा दे। अभी तो हमने जहाँ पार्किंग की है वहाँ जा रहे हैं, सीताफल वगैरह खरीदे हैं, यहाँ से प्रसाद वसाद ले लिया घर वालों को बना। तो फ्रेंड्स, राजसमंद लेक के बिल्कुल पड़ोस में आ चुके हैं, घाटी वाटी सब है, नौ चौकी जाना है हमें, नौ चौकी में सब कुछ है घूमने लायक, ऐसा हमें वो इनोवा वाले भैया ने बताया था। अब देखते हैं, यहाँ लिख रखा है वाटर स्पोर्ट इन जयसमंद आइलैंड, अरे राजसमंद लेक क्या है, कहाँ है ये, तो फिर वही ऐसा ही लग रहा है। हाँ, अब लगा जैसे हम झील के पास आए हो, ऐसा कुछ फतेह सागर जैसी फीलिंग आ रही है यहाँ। भाई साहब, आगे जाने का चालू है। अच्छा, नीचे जाना पड़ रहा है जहाँ पर बोट वगैरह के लिए सब कुछ है। एक बार नज़ारा दिखा है भाई साहब, बहुत जबरदस्त जबरदस्त, इतनी बड़ी भी नहीं, आप मैं कहता हूँ, सजेस्ट करता हूँ जयसमंद इससे भी बड़ी है, हम आगे जाके घूम के आ जाए ऐसा सोच रहा हूँ। रुको भाई साहब से पूछते हैं, आगे कहाँ जा रहे हैं, हाईवे निकलता है, ठीक है, वोटिंग करते हैं, थोड़े मजे मजे ले लेते हैं। फिर यहाँ से हाईवे का है ऑप्शन, तो फिर हम हाईवे होके सीधे